नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान से संबंधित वैकल्पिक क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो हम लोग पिछले लेक्चर तक 200 क्वेश्चन खत्म कर चुके थे। इसमें बात करते हैं हम लोग 201 से आगे, ठीक है। टैक्सी फॉर शोर किसके द्वारा अधिगृहित किया गया, तो आपको बता देना है। ओला कैब्स, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है दूसरा, दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया। तो याद रखना, एक किया था आपका ऑस्ट्रेलिया ने। क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका तीसरा, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो याद रखना, कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त था। क्वेश्चन है चार, क्या है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। तो याद रखना है आपको अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल का नाम है अवंतिका। क्वेश्चन है आपका पाँच, भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो याद रखना है आपको स्कंदगुप्त। क्या है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका पाँच छः, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया। तो याद रखिए, अशोक ने। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, ठीक है। क्वेश्चन है आपका सात, क्या है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो आपको बता देना है, जेम्स फ्रेंसेप ने पढ़ा। क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका आठ, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था। श्रीलंका, तो याद रखा महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों को, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन आठ में आपका डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नौ है आपका, समुद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था। तो याद रखना, जैन धर्म। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है दस, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे। तो याद रखना, कपास। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका ग्यारह, क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या था। लोथल। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका बारह, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया। तो याद रखना, सेवण बेलगोला में। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 13, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली, कपिल मुनि द्वारा दार्शनिक प्रणाली क्या है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, इनमें से कौन क्या है। तो याद रखना, सांख्य दर्शन। डी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 14, निम्नलिखित में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था। तो याद रखना, ट्राट स्क, ठीक, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 15, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था। तो याद रखना, लेनिन ने। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका क्या है, अगला 16, वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। तो याद रखना, कृषि। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 17, निम्नलिखित में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है, रूसी क्रांति को। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 18, रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा। तो याद रखना, लेनिन ने, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 19, सबसे पुराना वेद कौन सा है आपका, ऋग्वेद। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन
क्वेश्चन है आपका 20। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो इसमें होगा आपका डी, अरबों ने। ठीक है, क्या है, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 21। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखना जर्मनी, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 22। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो याद रखना मेजिनी, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 23। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रया जनता के संपर्क में रहता था? तो याद रखना अशोक, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 24। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? तो याद रखना कैवूर, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 25। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? याद रखना मौर्य, क्या होगा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 26। यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? तो याद रखना ये बनाया था आपका मेजिनी ने। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला है 27। स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? तो याद रखना एलोन मस्क, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 28। यस भारती सम्मान किस भारतीय राज्य द्वारा सरकार द्वारा दिया जाता है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है आपका 29। किसने कविता के लिए खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो याद रखना अरुंधति सुब्रमण्यम ने। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 30। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? तो याद रखना ज्योतिबा फूले प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है, आपके महादेव गोविंद रानाड़े भी है, एन जी चंदावरकर, आर जी भंडारकर, ये तीनों प्रार्थना समाज से संबंधित हैं लेकिन ज्योतिबा फूले नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन होगा इसमें। क्वेश्चन है आपका 31। पाइरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो याद रखना उच्च ताप, क्या है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 32। आयोडीन के टिंचर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? तो आपको बता देना है एंटीसेप्टिक के रूप में, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 33। क्या है, निम्नलिखित में से उस स्थान का नाम बताइए जहां सूफी संत निवास करते थे? तो आपको याद रखना है खान का है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 34। क्या है, 34 है आपका क्वेश्चन, निम्न अक्षांश यानी अधिक वर्षा और उच्च अक्षांश यानी कम वर्षा, इसके तत्व के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो याद रखना वाष्पीकरण, क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 35। सामान्यतः 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से कितना तापक्रम कम हो जाता है? तो याद रखना 10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन है आपका, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन है 36। ब्रिक्स सम्मेलन 2019 किस देश में हुआ? तो ये हुआ आपका सीलिया, ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 37। हाल ही में ब्रह्मांड के सबसे गर्म ग्रह की खोज की गई, उस ग्रह का नाम क्या है? तो याद रखना केल्ट 9b, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 38। भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? तो याद रखना मंत्रा, क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 39।
गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो याद रखना 300 वर्ष, 300 वर्षों तक। क्वेश्चन है आपका 40, किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 41, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 42, महरौली के लोह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? तो याद रखना है आपको विक्रमादित्य। क्या है? विक्रमादित्य। क्वेश्चन है आपका 43, जनपद की जानकारी मिलती है तो याद रखना बौद्ध साहित्य से। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 44, वज्जी महाजनपद क्या था? तो याद रखना है गणतंती है। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन है आपका 45, जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? तो याद रखना जन्म पर। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 46, महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? ग्राम प्रमुख। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 47, सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो याद रखना बृहस्पति। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 48, सुपर मून के समय चांद लगभग कितने प्रतिशत बड़ा दिखाई देता है? तो याद रखना 14%। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 49, निम्न में से किसने आईने अकबरी व अकबर नामा पुस्तक लिखी है? तो याद रखना अबुल फजल ने। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 50, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया? तो याद रखना शाहजहां। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 51, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? तो याद रखना यमुना। क्या होगा? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 52, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ? तो याद रखना 1836 में। ए ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 53, देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है? तो याद रखना चौथरा। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 54, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, गुजरती है? यह गोदावरी। सी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है आपका 55, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? रिहंद बांध आपका उत्तर प्रदेश में है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 56, गुप्त वंश के किस शासक ने हूणों को पराजित किया? वेस स्कंदगुप्त। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 57, किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो याद रखना है लॉर्ड लिट्टन को। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 58, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो याद रखना सी शुद्धाद्वैत। क्या है? शुद्धाद्वैत, ठीक है, शुद्धाद्वैत। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 59, चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो याद रखना 16। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 60, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ? 1847 में, ठीक है। बी ऑप्शन सही है, 1847। क्वेश्चन है आपका
61 संविधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो याद रखना कैबिनेट मिशन योजना, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 62, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? भारतीय विवाह व्यवस्था से, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 63, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे? तो याद रखना है 9, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 64, क्या है 64? ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? तो याद रखना दादाभाई नौरोजी, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 65, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया था? तो याद रखना ये है आपका ज्ञान, क्या होगा ज्ञान, भारतीय ज्ञान पीठ, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका क्या है 66, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखना रचनाकार उर्दू लेखन, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 67, क्या है 67? राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? तो याद रखना अप्रत्यक्ष कर को। क्वेश्चन है आपका 68, वह स्थानीय शासक कौन था जिसने मई 1498 में कालीकट में पहुंचने पर वास्को डी गामा मिला था? तो ये था आपका जमोरियन, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 69, भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? तो ये आपका आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 70, क्या है? निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 2013 में देश का पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया था? तो यह है आपका नई दिल्ली, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 71, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? तो याद रखना शिवालिक, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 72, वह जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है कहलाती है? याद रखना आर्थिक ज्योत, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 73, महाभाष्य लिखा था? तो याद रखना पतंजलि ने, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 74, क्या है? बाबर की पुत्री का क्या नाम था? बाबर की पुत्री का गुलबदन बेगम नाम था, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 75, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 76, क्या है? शाहजहाँ की बेगम मुमताज महल जिसकी याद में ताज महल बनवाया गया है की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखना बुरहानपुर में, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 77, किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? तो याद रखना अकबर ने, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 78, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना हल्दीघाटी का युद्ध, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 79, पानीपत का दूसरा युद्ध किन के मध्य हुआ था?
तो ये हुआ था अपना अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 80, हुमायूं ने शेर शाह सूरी पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? तो याद रखना 1540 में। 1540 क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 81, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? तो याद रखना 1526 में। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन है 82, क्या है भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो याद रखना है बाबर। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 83, अंग्रेजों से मुक्ति से पाने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है चंद्रशेखर आज़ाद ने। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 84, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध किस सन में हुआ था? तो याद रखना 1858 में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 85, ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? तो याद रखना 1752 में। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 86, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना? तो याद रखना सूरत। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 87, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी? तो याद रखना है 1625 में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 88, भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटी मतलब किस स्थान पर प्रथम पर था? कोटी है प्रथम, और याद रखिए प्रथम पर आपका चावल की कृषि क्षेत्र में पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश प्रथम पर है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 89, हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना है? तो याद रखना है मेरु पर्वत को। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 90, चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहते हैं? तो याद रखना उम्ब्रा। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 91, कौन सा पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा का कुछ हिस्सा परावर्तित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना पृथ्वी का अल्बिडो। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 92, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखना 9 मई को। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 93, त्रिपिटक पिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखना बौद्धों से। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 94, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है आपका 95, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है 97, लुईस बेल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 4 जनवरी को लुईस बेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है आपका 98, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है आपका 99, पाकिस्तान ने पीओके स्थित किस मंदिर के लिए कॉरिडोर खोलने की मंजूरी दी है? तो याद रखना शारदा मंदिर। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 300, किस राज्य के सबरीमाला मंदिर के बोर्ड ने हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने के कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया? तो याद रखना यह है आपका केरल। क्या है? केरल। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 31,
तमिलनाडु में कहाँ पर तिरुपति की तर्ज पर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बनाया गया? तो याद रखना, कन्याकुमारी में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका दूसरा, मलेशिया में दिवाली के बाद हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो याद रखना, थाई पुसाम। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका तीसरा, हाल ही में किस मंदिर में फोटो और वीडियो बनाने पर रोक लगाई गई? तो याद रखना, स्वर्ण मंदिर। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका चार, किसने यूएई में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया है? तो यह है आपके नरेंद्र मोदी। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका पाँच, पृथु द सरस्वती तीर्थ कहाँ स्थित है? हरियाणा में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका सिक्स, प्रसिद्ध अम्बुवाची मेला किस राज्य में लगता है? असम में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है सात, जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण की वजह से 2017 के दौरान भारत में कितनी मौतें हुई थीं? तो याद रखना, 12 लाख। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका आठ, क्या है आठ, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो याद रखना, लंगूर नहीं है। सी ऑप्शन है इसमें, ठीक है, गुरिल्ला है, गिब्बन है। क्वेश्चन है आपका नौ, किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है? क्या है? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका दस, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की के लिए राजभाषा से गलत है, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा, अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति का आयोग, अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। बी सी डी तीनों सही हैं, ए गलत है इसमें। ठीक, इसमें ऑप्शन क्या होगा? ए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 11, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? तो याद रखना, 22। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 12, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ है? नहीं है, तो याद रखना, महाराष्ट्र से नहीं सटा है, ये गुजरात से लगता है, उत्तर प्रदेश से भी लगता है, और आपका हरियाणा से भी लगता है। ठीक है, महाराष्ट्र से नहीं लगता है। तो ये थे आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित 312 के लगभग क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। ठीक है।